आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इंग्लिश के सेशन में आज अपन बात करने वाले हैं डेथ रिलेटेड वर्ड्स की, यानी मौत से जुड़े हुए शब्दों की। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आज का, तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। वर्ड थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन एक फैक्ट भी है कि मौत एक ना एक दिन सबकी होती है। तो जानते हैं कौन से वर्ड्स किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए, अपने पास जो वर्ड है वो है डाई। अब डाई एक नाउन भी है और डाई वर्ब भी है, तो दोनों प्रकार से इसका यूज अपन सीख लेते हैं। अब नाउन में भी इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या होती है, मटेरियल शेपिंग डिवाइस, दूसरा इसका मीनिंग होता है ए स्मॉल स्क्वायर ऑब्जेक्ट। अब यहां बात आ गई कि एक तो मीनिंग बन गया इसका मटेरियल शेपिंग डिवाइस और एक मीनिंग बन गया स्मॉल स्क्वायर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब इसका ये वाला मीनिंग होता है तो इस वर्ड का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, डाइज बनेगा। और जब ये वाला इसका मीनिंग होता है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, डाइस बनेगा, ठीक है। अब वर्ड है अपने पास डाई, जो एक वर्ब है, मीन्स होता है मरना, मीन्स पास अवे, एक्सपायर। अब इसी साउंड का एक वर्ड और होता है डाई, मीन्स टू कलर, और ये अगर नाउन फॉर्म में है तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या, ए कलरिंग मैटर, और मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। अब इनसे अपन बात करें कि इसका पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस, इसका पास्ट टेंस और आईएनजी फॉर्म की। तो इससे जब अपन आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो स्पेलिंग क्या बनेगी, डी वाई आईएनजी, लेकिन इससे जब बनाएंगे तो क्या बनेगी, डी वाई ई आई एन जी। ये एक इसमें माइनर सा डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं कि डाई से जुड़े हुए बहुत सारे इडियम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो कौन कौन से इडियम्स हैं उनको जानते हैं। तो एक इडियम है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, टू किक द बकेट। दूसरा, टू गिव ऑफ गोस्ट। तीसरा, टू ब्रेड वंस लास्ट। चौथा, टू पुश ऑफ डेजीज, और टू बाई द फार्म। इन सब का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, मरना, टू डाई। इन सब का मीनिंग ही क्या बनता है, मरना। अब इसी वर्ड का एक इडियम अलग से बताता हूं, डाई इन हानिस, डाई इन हानिस, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है कि कई बार क्या होता है, किसी की डेथ ऑन ड्यूटी हो जाती है, तो इसका मीनिंग ही होता है टू डाई वाइल इन सर्विस। ये बात थी कि डाई से जुड़े हुए इडियम्स की और वर्ड के फंक्शन की। अब बात करते हैं कि डाई के साथ फ्रेजल वर्ब या प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन लगभग परीक्षा पत्र में पूछे जाते हैं, तो कौन कौन सी प्रेपोजिशन किस प्रकार से यूज होती है उसको जानते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है डाई इन, किसी दुर्घटना में, किसी युद्ध में, किसी जगह पर किसी की मौत हो जाती है, ठीक है। तो डाई इन क्या हो गया, इन अ रोड एक्सीडेंट,
इन द वॉर. डाई ऑफ क्या होता है? ऑफ, यहां एफ लास्ट में, इसका मीनिंग बना लो फीवर. यानी जब किसी की बीमारी से डेथ होती है तो उसके लिए किसका यूज होता है? डाई ऑफ का. जैसे ही डाइड ऑफ फीवर या ही डाइड ऑफ कोलेरा. ये वर्ड मैंने इसलिए लिया है ताकि एक स्पेलिंग एरर का भी क्वेश्चन मिल जाए आपको. डाई फ्रॉम अन्य किसी रीजन से, जैसे डाई फ्रॉम हंगर. डाई बाई किसी समथिंग अपन ले सकते हैं इसमें, जैसे भाई बुलेट, गन शॉट. और डाई फॉर के दो मीनिंग होते हैं. एक तो किसी के लिए, जैसे कोई अपनी कंट्री के लिए मर जाता है तो डाई फॉर वंस कंट्री. या फिर इसका मीनिंग होता है क्रेव फॉर, ईगर फॉर. किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ललक होती है, लालसा होती है. जैसे अनीस इज डाइंग फॉर ईटिंग और लर्निंग. तो डाई फॉर के दो मीनिंग हो गए यहाँ पे. एक तो किसी के लिए मरना और किसी की गहरी ललक होती है. जैसे आई एम डाइंग फॉर ईटिंग, खाने के लिए ललक है, ईटिंग रसगुल्लाज ऐसे बना दिया. तो ये इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है जिनका प्रयोग डाई के साथ होता है. अब आगे अपन बात करें, डाई से जो एडजेक्टिव फॉर्म बनती है वो बनती है डेड, जिसके लिए एक वर्ड अपन और ले सकते हैं, वो ले सकते हैं डिसीस्ड. और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडियम बनता है, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स. इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, फ्लॉग मीन्स होता है घसीटना या पीटना. कि एक घोड़ा है जो डेड है, मर गया है, उसको अपन पीट रहे हैं, कोई फायदा नहीं है. उसको अपन घसीट रहे हैं, मान लो उसको बाहर फेंकने के लिए ले जाने नहीं दे रहे, अपन हिलाने नहीं दे रहे हैं. तो इस ऐसा काम करने का कोई फायदा नहीं है, फालतू में अपन एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. तो इसका मीनिंग ही क्या हो गया? वेस्ट ऑफ वंस एनर्जी या टाइम या एफर्ट्स, इन सब को वेस्ट करना. तो यहाँ एक idiom बनता है, वो क्या बनता है? टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स. अब आगे बात करते हैं अपन कि इसका दूसरा जो मीनिंग बनता है वो क्या बनता है डेड का? नॉट वॉकिंग. जैसे अपन किसी भी वस्तु के लिए काम में ले सकते हैं. जैसे मैंने ले लिया, माई सेल फोन इज डेड, एक मीनिंग ये हो गया. फिर डाई डेड से जो नाउन फॉर्म में आते हैं अपन, तो वो बनता है डेथ. डेथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइनो बनता है डिमाइज. और क्या बनता है? एक्सपायरेशन. और क्या बनता है? डाइंग. और क्या बनता है? पासिंग. ये तो बन गए इसके सिनोनिम्स. अब किसी की भी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में क्या होता है? जो डेड बॉडी होती है, तो डेड बॉडी से रिलेट करने वाले जो वर्ड्स हैं डेड बॉडी से, वो कौन से? ठीक है, तो एक वर्ड बनता है कॉप्स और एक बनता है कैडेवर. इन दोनों का मीनिंग क्या है? कि किसी भी ह्यूमन की डेड बॉडी. अब बात आती है कि अगर ये डेड बॉडी किसी जानवर की है, एनिमल की है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड बनता है, वो क्या बनता है? वो बनता है कैकस. ये किसकी हो गई? एनिमल की डेड बॉडी हो गई. अब किसी की भी डेथ हो जाती है तो मोस्टली क्या होता है कि उसका रीजन जाना जाता है कि किस प्रकार से हुई थी. ठीक है, तो अपन डेड बॉडी को लेकर के, या फिर मान लो पुलिस होती है, वो इन्वेस्टिगेटर. कई बार ऐसा होता है कई केसेस में कि पुलिस तक केसेस पहुंच जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है. तो ये सारी प्रोसेस जब होती है तो डेड बॉडी के लिए कई चीज़ें ऐसी हैं या कई जगह ऐसी हैं जैसे डेड बॉडी को रखने की जगह जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है मोर्चरी.
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग बनती है, ठीक है। और इसी का एक वर्ड बनता है मॉग। अब जो मॉग और मॉर्चरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां तो क्या होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें रखी जाती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि पता नहीं लगता है कि ये डेड बॉडी किसकी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस जगह डेड बॉडी को रखा जाता है उसके लिए वर्ड हो गया मॉग, और मॉर्चरी में क्या हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब बात आती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक वर्ड बना है पोस्टमार्टम, जिसको बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान देना आप, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम। दूसरा इसके लिए वर्ड बनता है ऑटोप्सी, और तीसरा इसी का साइनो बन जाता है, वो क्या बन जाता है नेक्रोप्सी। अब जब किसी की डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम या फिर ऑटोप्सी या नेक्रोप्सी, ये किस लिए, टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ डेथ, डेथ का पता लगा, रीजन का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर बात आती है, देखो किसी की भी डेथ हुई है तो मोस्टली क्या होता है, रोना धोना होता है, रोना धोना होता है, तो उसके लिए एक वर्ड बनता है मॉर्निंग। ध्यान देना इस पर, कौन सा वाला मॉर्निंग बनेगा, ये जो वर्ड बना है मॉन वर्ब है, और इसको नाउन फॉर्म में ले जाएंगे तो बन गया मॉर्निंग। इससे तो आप परिचित हैं अच्छी तरह से, लेकिन इसका मीनिंग क्या बनता है, लेमेंट, विलाप, दुख, पश्चाताप, ये मीनिंग बनेंगे। फिर बात आती है कि जिसकी भी डेथ हुई है, डेड बॉडी को अपन शमशान घाट पहुंचाते हैं, उससे पहले बहुत सारे वर्ड्स अपन सीखेंगे। देखिए मॉर्निंग हो रही है, उसी टाइम में उसकी मैयत या अर्थी तैयार की जा रही है, तो उसके लिए एक वर्ड बना है, वो बना है बायर। अब यहाँ भी अपने पास इस साउंड के दो वर्ड हैं, बायर और बायर। इस बायर का मीनिंग क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर या फ्रेम हो गई फॉर कैरिंग डेड बॉडी, और इस बायर का मीनिंग होता है काउ पेन, ए प्लेस वेयर काउज आर केप्ट, ए प्लेस वेयर काउज आर केप्ट। तो ध्यान देना यहाँ पे बायर और बायर स्पेलिंग के अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, अर्थी तैयार हो गई है और अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो कफन और उसको पहना दिया जाता है, तो कफन का वर्ड जो होता है वो क्या होता है, सराउड। सराउड मीन्स क्या हो गया, कफन हो गया। फिर अपन बात करते हैं कि डेड बॉडी को लेकर के कहाँ जाते हैं, शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान में, ठीक है। तो अपन दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, तो यहाँ एक वर्ड बन गया फ्यूनरल। फ्यूनरल मीन्स दाह संस्कार, या ऐसा जो जुलूस होता है उसके लिए वर्ड बन गया फ्यूनरल कॉटेज या प्रोसेशन। फिर बात आती है कि ले जाते हैं, उस टाइम में घंटी बजाई जाती है जिसे कहा जाता है नेल, ये द बेल रंग एट द टाइम ऑफ डेथ। डेथ के टाइम में ये जो घंटी, या किसी की मौत हो जाने के बाद में आफ्टर भी ले सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है, नेल कहा जाता है। फिर दाह संस्कार करते हैं, तो दाह संस्कार करना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसके लिए वर्ड बनता है क्रीमेट। डेड बॉडी को बर्न किया जाता है, उसके लिए हो गया क्रीमेट, और जिस जगह पे किया जाता है उसे कह देंगे क्रीमेटोरियम। उसे क्या कहा जाएगा, क्रीमेटोरियम, मीन्स शमशान घाट बन गया। अब कई अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग इनका ट्रेडिशन है, तो उसके लिए जैसे मुस्लिम क्या करते हैं, वो क्रीमेट नहीं करते, वो क्या करते हैं, ब्यूरी करते हैं, दफनाते हैं, ठीक है। तो ब्यूरी का जो है सिस्टम, दफनाने का जो सिस्टम है, उसमें कई चीज़ें जुड़ जाती है। देखिए कि जिस जगह पे किया जाता है उस जगह को क्या कहेंगे, सिमेट्री, ए प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जहाँ पे क्या होता है, दफनाया जाता है, ए प्लेस ऑफ ब्यूरियल, ठीक है। और कब्र के लिए क्या वर्ड हो जाएगा, ग्रेव, और कब्रिस्तान के लिए क्या वर्ड हो जाएगा,
ग्रेवयार्ड और एक वर्ड बन गया अपने पास सिमेट्री। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब बात आती है कि किसी को क्रीमेट किया जाता है क्रीमेटोरियम में, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है लकड़ियों का, उसका जो वर्ड होता है वो क्या होता है, उसके लिए प्रॉपर वर्ड हो गया पायर, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं चीता। ठीक है, तो चीता का वर्ड क्या हो गया अपने पास, पायर हो गया। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस, किसी को ब्यूरी किया है या क्रीमेट किया है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में राख बन जाती है, सीधी सी बात है। तो उसके लिए वर्ड हो गया अपने पास, जो अस्थियां बनती हैं या राख बनती है उसके लिए वर्ड हो गया एसिड्स। ठीक है, और इसके लिए अपन क्या कह सकते हैं, अस्थियां, इनको गंगा नदी में बहाया जाता है। ठीक है, तो वहां के लिए अपने पास विसर्जन करना, उसके लिए वर्ड हो गया अपने पास इमर्ज करना, विसर्जन करना। फिर बात आती है कि किसी की भी डेथ होती है तो मोस्टली क्या होता है कि अखबार के अंदर ऐड दिया जाता है। ठीक है, शोक संदेश दिया जाता है, या पहले क्या होता था, अपने रिलेटिव्स के यहाँ क्या लेटर भेजे जाते थे। ठीक है, तो ऐसा जो लेटर होता है उसे क्या कहेंगे, या फिर जो शोक संदेश होता है उसका वर्ड क्या होगा, तो शोक संदेश का वर्ड क्या हो गया, ऑबिचुअरी। शोक संदेश का वर्ड क्या हो गया, ऑबिचुअरी, अ मैसेज ऑफ डेथ। या फिर ऐसा जो लेटर भेजा जाता था उसे क्या कहेंगे अपन, लेटर ऑफ कंडोलेंस, शोक पत्र जिसको कह सकते हैं अपन, शोक पत्र। ठीक है, अब किसी की भी डेथ होती है तो कई बार आपने देखा है कि रोना धोना होता है, कई बार क्या होता है, अपने यहाँ भी हिंदूज में भी ऐसा सिस्टम है कि ओल्ड एज में, काफ़ी एज में जो मरता है उसके यहाँ गाना बजाना होता है, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, उसके लिए अपने पास दो वर्ड है, एक तो वर्ड है अपने पास एलेजी, ठीक है, और एक वर्ड है अपने पास डांस। दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार वन वर्ड के रूप में परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये क्या हो गया, ए सॉन्ग ऑफ डेथ या डेथ्स सॉन्ग। फिर बात आती है कि एक ट्रेडिशन और भी है कि उसकी मेमोरी में कुछ ना कुछ एक मतलब ऐसा बनाया जाता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि लॉन्ग टाइम तक वो अपनी मेमोरी में या आने वाली पीढ़ी जनरेशन है उसकी मेमोरी में बना रहे। ठीक है, तो ऐसे जो बिल्डिंग्स बनते हैं उनके लिए क्या वर्ड है, तो यहाँ एक वर्ड हो गया टू, या फिर वर्ड हो गया अपने पास माजलियम, माजलियम। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अगर एक ही बना है तो वो क्या है, टूम है, और बहुत सारे बने हैं उन सबको एक जगह हाउस्ड कर दिया या हाउसिंग कर दिया, उसके लिए वर्ड हो गया माउजलियम, उसके लिए वर्ड क्या हो गया, माउजलियम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ टूम्स, इसका प्रोनंसिएशन भी देखना, टूम होगा न कि टॉम होगा। फिर बात अपन करें कि यहाँ कई बार आपने देखा होगा किसी की भी डेथ होती है तो वहाँ एक पत्थर लगा करके उस पर लिख दिया जाता है, इन द मेमोरी ऑफ लेट मिस्टर जो भी, ठीक है, बिल्ट बाई किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ऐसा जो पत्थर होता है उसे अपन क्या कहेंगे, टोम स्टोन कहेंगे। अब इसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे गए हैं, टोम स्टोन पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे अपन एपिटेफ, इन्हें क्या कहेंगे, एपिटेफ, वर्ड्स रिटन ऑन ए टोम और टोमस्टोन। ठीक है, फिर बात आती है कि टोमस्टोन वाली प्रोसेस अपनी पूरी हो गई, शोक संदेश अपन ने भेज दिए हैं, अब लास्ट में क्या होता है कि आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद में भी कई चीजें ऐसी होती है कि उनके लिए भी कई प्रॉपर वर्ड्स बने हैं। जैसे एक वर्ड बनता है पॉस्ट्यूमस, पॉस्ट्यूमस, किसी के डेथ होने के बाद में बच्चे का जन्म होता है या उसे कोई अवार्ड मिलता है तो वो ऐसा जो अवार्ड या जन्म होता है उसके लिए प्रॉपर वर्ड हो गया अपने पास पॉस्ट्यूमस, आफ्टर डेथ होता है, मीन्स ए चाइल्ड बॉर्न
आफ्टर इट्स फादर्स डेथ या अवार्ड गिवन आफ्टर डेथ। ठीक है, तो ये एक वर्ड हो गया, स्पेलिंग एरर में भी इम्पोर्टेंट है और वन वर्ड के रूप में भी कई परीक्षाओं में पूछा गया। आगे अपन बात करते हैं। देखो, कई बार आपने सुना होगा कि किसी का मर्डर हो जाता है या कर दिया जाता है। ठीक है, तो मर्डर से जुड़ी हुई वाक्य अपन यहाँ सीख रहे हैं एक रूट से। अपने पास एक रूट है साइड। साइड का मीनिंग ही क्या मान लो आप, मर्डर और किलिंग मीन्स हत्या। अब किसी पर्सन से रिलेटेड ही सारे वर्ड सही है। जैसे मैंने लिखा फिटिसाइड, फिटस जो होता है जिसको बोलते हैं अपन भ्रूण बोलते हैं इन मदर स्वम, कि माता के गर्भ के अंदर ही किसी को मार दिया जाता है। तो ऐसी जो हत्या मर्डर या किलिंग होती है इससे अपन क्या कहेंगे, फिटिसाइड। कई बार आपने देखा होगा माता और पिता दोनों की हत्या हो जाती है, तो इसके लिए वर्ड हो गया मर्डर या किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। यह एक वर्ड और भी आ जाता है इसके लिए, वो आ जाता है पेरिसाइड। और पेरिसाइड में क्लोज रिलेटिव्स भी शामिल हो जाते हैं, मर्डर ऑफ वंस क्लोज रिलेटिव्स। फिर आगे अपने पास वर्ड है पेट्रीसाइड। साइड मीन्स मर्डर, पेट्री मीन्स क्या हो गया, पेट्री मेट्री आगे लिया मैंने तो पेट्री क्या हो गया, मर्डर ऑफ वंस फादर। मेट्री क्या हो गया, मर्डर ऑफ वंस मदर। फ्रेट्री क्या हो गया, वंस ब्रदर। सोरोरी किसका हो गया, देखो फर्स्ट लेटर से ही पता चल रहा है सोरोरी सिस्टर, फ्रेटर रूट बनता है, फ्रेटर मीन्स ब्रदर, मेट्री मदर, फर्स्ट लेटर ही बता रहा है, पेट्री पिता या फादर हिंदी से कनेक्टिविटी बना दो। फिर आगे है मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड ध्यान देना, जिसके लिए एक वर्ड और हो सकता है वेरिसाइड, जिसके लिए एक वर्ड और हो सकता है वेरिसाइड। ये किसका मर्डर होता है, ये होता है हस्बैंड का, ये किसका होता है हस्बैंड का। और वेरिसाइड वायरस के लिए भी काम में लिया जाता है। फिर बात करें युगजोरीसाइड, इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस वाइफ। फिर यहाँ वर्ड अपने पास फिलिसाइड। फिलिसाइड किसका होता है, किसी के बच्चों की हत्या कर दी जाती है। यहाँ फिलिसाइड का एक दूसरा वर्ड और ले रहा हूँ मैं, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिलिसाइड, फिली फॉर बिली मीन्स मर्डर ऑफ कैट, बिल्ली की जो हत्या होती है। जानवरों के यहाँ अभी लिए नहीं है, वैसे कैनिसाइड किसका हो जाएगा, डॉग के लिए हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, अभी बात अपन सिर्फ ह्यूमन रिलेटेड वर्ड्स की ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो और बहुत सारे वर्ड्स अपन सीखने वाले हैं। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास रेजिसाइड। रेजी फॉर राजा, किसी किंग और क्वीन का जो मर्डर होता है उसके लिए क्या वर्ड हो गया अपने पास, रेजिसाइड। उसके लिए क्या हो गया, रेजिसाइड। यहाँ वर्ड है अंकलीसाइड मीन्स अंकल का मर्डर, अंकल का मर्डर। फिर बात आती है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट क्या होता है, छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, इन्फेंट शिशु, तो ये किसका हो गया, इन्फेंट का ही हो गया। फिर अपन बात करें प्रोलीसाइड, खुद के बच्चों का मर्डर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फिलिसाइड, फिलिसाइड दो वर्ड बताए थे। ठीक है, तो एफ आई एल आई वाला, कि दूसरे के बच्चों की हत्या, और खुद के बच्चों की हत्या के लिए क्या हो गया, प्रोलीसाइड, वंस ऑन चिल्ड्रन। फिर अपन ले होमिसाइड किसका होता है, ह्यूमन का। जेनोसाइड क्या होता है, ह्यूमन रेस या लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फिर बात आती है नेपोटिसाइड, ये किसका होता है, नेव्यू का, भतीजा भतीजी जो होते हैं दोनों ही शामिल है इसमें। सुसाइड किसका होता है, खुद का। इसके लिए एक वर्ड और ले सकते हैं ऑटोसाइड, या अपन ले सकते हैं सेल्फ साइड भी। फिर बात आती है एमी और एमबी, दोनों किसके लिए यूज होते हैं, फ्रेंड के लिए, दोस्त के लिए। दोस्त की हत्या को क्या बोलेंगे, एमीसाइड या एमबीसाइड। फिर आगे अपने पास वर्ड है फेमिसाइड, ये किसका होता है, किसी भी महिला की हत्या। और गायनाइसाइड, दोनों एक दूसरे के साइनों बनते हैं, किसी भी महिला की हत्या हो जाती है उसके लिए वर्ड हो गया फेमिसाइड या गायनाइसाइड। फिर सीनीसाइड किसका होता है, बुजुर्ग आदमियों का।
ओल्ड मैन, बुढ़े आदमियों की हत्या। फिर बात आती है हेरिसाइड किसका होता है, मालिक की हत्या, लॉर्ड या फिर मास्टर, मालिक की हत्या। फिर बात आती है नेक्स्ट वर्ड है होस्टिसाइड। इसमें दो चीज़ें, एक तो होस्ट मेजबान और दूसरा इसमें हो गया एनिमी यानी दुश्मन भी, दोनों इसमें शामिल हो गए, दुश्मन की हत्या। अब एक बहुत ही अलग वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया वर्ड है, वो है भाई साहब एसासिनेशन। एसासिनेशन कि किसी का पॉलिटिकल रीजन से, राजनीतिक कारणों से किसी की डेथ या मर्डर या किलिंग होती है, उसके लिए वर्ड हो गया एसासिनेशन, जिसके लिए अपन ले सकते हैं मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। अब बात आती है कि यहाँ अपन ने बहुत सारे वर्ड्स डेथ मर्डर किलिंग से जुड़े हुए सीखे हैं। अब कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा कि उसका फिर से जीवन मीन्स पुनर्जीवन, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा हुआ है, तो आइए जानते हैं क्या है ये वर्ड, रिसरेक्शन। रिसरेक्शन ठीक है, इसका मतलब ही क्या हो गया, पुनर्जीवन। ये थी अपनी मौत से जुड़ी हुई शब्दावली, तो जुड़े रहिए प्रांजल अकेडमी के इस YouTube चैनल के साथ में और सीखते रहिए इंग्लिश विद तेजपाल सर।